हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले स्नैक्स की रेसिपी। आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाओ या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ कि कितना क्रिस्पी बनाइए। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने तैयार किया है स्वादिष्ट स्नैक्स। स्वादिष्ट और मजेदार नाश्ता बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे 1.5 कटोरी पानी। कोई भी कटोरी ले लें, उसी से नाप के आपको लेना है। तो यहाँ मैंने कटोरी से नाप के 1.5 कटोरी पानी ले लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच सफ़ेद वाला तेल, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें 2 हरी मिर्च बारीक बारीक काट के। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हो। और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इस तरीके से बारीक बारीक काट के। इस जगह आप धनिया के पत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हो, वो भी बारीक काट के डाल सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ते के साथ ही हम डाल देंगे लगभग 1/2 चम्मच आधा इंच का छोटा सा अदरक का टुकड़ा, इस तरीके से क्रश करके। आप यहाँ चाहे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई एक दूसरे से। अब इसमें डाल देंगे हम 2 ब्रेड स्लाइस, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। कई बार ब्रेड जो होती है बच जाती है घर में, तो इस तरीके से तोड़ के मैं इसमें डाल दूंगी बची हुई ब्रेड को। इसको पानी में हम अच्छे से इस तरीके से डिप कर देंगे तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा पानी के साथ। ये देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा, जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से मैश हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको भी। फ्रेंड ब्रेड को 1 मिनट भी लगा, अच्छे से वो पानी के साथ मिक्स हो गए। तो अब इसमें डाल देंगे हम 1 प्याज, इस तरीके से बारीक काट के। साथ ही ले लूंगी मैं 1 कटोरी सूजी। जिस कटोरी से हमने पानी नाप के लिया है उसी कटोरी से नाप के आपको सूजी लेना है, इसलिए मैंने बोला था कि पानी नाप के लें। 1 कटोरी के लिए 1.5 कटोरी पानी लेना है, दोबारा बोल रही हूँ मैं। और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच बेसन, अच्छा सा फ्लेवर से फ्लेवर देगा बेसन। तो सभी चीजों को अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए बहुत इजीली सब चीजें एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी। तो चलिए अच्छे से मिक्स करके मिलती हूँ मैं आपसे। ये फ्रेंड झटपट से सभी चीजें एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आपको जब भी झटपट से नाश्ता बनाना हो इस तरीके से घोले और झटपट से नाश्ता तैयार कर ले। तो चलिए तो मैंने भी सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अगला काम कर लेते। अब ले लेंगे हम कोई भी मोटे तले का बर्तन। मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया, आप मोटे तले की कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इसमें हम ये डाल देंगे बिना घी और तेल के, सारा मिक्सर में इसी में डाल दूंगी और इसे लगभग 1 से 2 मिनट हम इसी तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। लगातार चलाते रहना है, 1 मिनट में ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। अब ये थोड़ा बहुत चिपकेगा लेकिन जैसे ये पकेगा तो ये पैन को छोड़ देगा। तो चलिए लगातार इसी तरीके से चलाते हुए 1 मिनट पका लेते हैं इसको। आपको रेस्ट करने के लिए रखने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत घोलिए और बना लीजिए। तो ये देखिए लगभग 1 मिनट हो गया है और ये डो फॉर्म में आने लग गया है और ये धीरे धीरे पैन को छोड़ने भी लग गया है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरीके से हम 1 मिनट और इसे पका लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। फ्रेंड लगातार चलाते हुए मैंने सिर्फ 2 मिनट से पकाया, ये डो फॉर्म में आ गया और धीरे धीरे इसने पैन को भी छोड़ दिया है। इसलिए मैंने बोला था आपको मोटे तले की कढ़ाई लेनी है ताकि ये पैन में चिपके ना। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे ढक के छोड़ देते हैं लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं इसके ठंडे होने के बाद। फ्रेंड इसे 4 से 5 मिनट हो गया रेस्ट करते, थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स ये हाथों से छूने लायक भी हो गए, तो इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया, ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसे मनचाहे आकार का नाश्ता बना लेंगे। तो मैं छोटा छोटा पोर्शन लूंगी और इसे सिलेंडर शेप में बना लूंगी। तो इस तरीके से मैं गोल गोल करूंगी कि फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड डो को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल ये डो फॉर्म में आटे जैसा हो गया।
अब इससे हम मनचाहा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं छोटे छोटे पोर्शन लूंगी और सिलेंडर जैसा शेप का नाश्ता बना के तैयार करूंगी। आप चाहे तो गोल बना लें या टिक्की जैसा बना लें, आपकी इच्छा है। आप मनचाहे आकार में बना सकते हो क्योंकि किसी भी आकार में बहुत ईजली ढल जाए। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं सारा नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये लीजिए फ्रेंड, मैंने सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए यहाँ पे ले लिया मैंने फ्राई पैन में रिफाइंड ऑयल। मैं शेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, आंच को हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम टू हाई रखेंगे, और एक एक हम स्नैक्स इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मैं डाल देती हूँ, एक बार में जितने स्नैक्स आएंगे हम डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए एक साइड फ्राई होने देते हैं, फिर इसे पलटेंगे। इसे सीखते हुए लगभग एक मिनट हो गया है, तो चलिए सबको पलट देते हैं। एक साइड से हो गया होगा गोल्डन कलर का, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। सबको इसी तरीके से हम पलट लेंगे, ये देखिए सभी स्नैक्स को मैं पलट दूंगी और सभी साइड से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फ्रेंड्स, सभी स्नैक्स को मैंने पलट दिया है, दूसरी साइड भी या सभी तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं सभी तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन करके। ठीक है फ्रेंड, स्नैक्स को हमने सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए, देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम सबको निकाल लेते हैं। तो मैं ले लूँगी एक स्ट्रेनर, इसमें हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बचे हुए स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, सारे स्नैक्स को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं गर्मा गर्म ये क्रिस्पी स्नैक्स की प्लेटिंग। ये गर्मा गर्म स्नैक्स मैं सर्व करी टोमेटो सॉस के साथ, आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि कितने क्रिस्पी बने, बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, आप इसे टोमेटो सॉस के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो मिलते हैं ऐसी यूनिक और इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।